देखो आज हम आप सभी को यूनियन टेरेटरी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसमें हम आपको ये बताएंगे कि यूनियन टेरेटरी बनाने की नौबत क्यों आई और यूनियन टेरेटरी का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है। उसमें हम आपको बताएंगे प्रेसिडेंट्स के पावर्स के बारे में। यूनियन टेरेटरी मेनली आप लोग जानते हो कि इंडिया अभी जो डिवाइडेड है एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरेटरी है कि नहीं है। तो इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और यूनियन टेरेटरी कितनी है? तो ऐसा है यूनियन टेरेटरी के कॉन्सेप्ट में, आप लोग जानते हो कि इंडिया में कौन कौन सी यूनियन टेरेटरीज हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें से आप जानते हो कि कितने सारी यूनियन टेरिटरी में खुद के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि खुद की असेंबली होती है। आज के डेट में जम्मू एंड कश्मीर का अभी फिलहाल के लिए जो असेंबली है वो डिजॉल्व कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर जब भी लॉ एंड ऑर्डर नॉर्मल होगी तो फिर आपको जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करवाए जाएंगे, ठीक है। इससे पहले हम आपको यूनियन टेरिटरी के कॉन्सेप्ट में बताएंगे कि किस तरह यूनियन टेरिटरी में से 8 यूनियन टेरिटरी में से सिर्फ 3 ही यूनियन टेरिटरी में पहले के डेट में असेंबलीज थी। उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि पांडिचेरी और आप दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी थी जिनमें की अपनी खुद की असेंबली होती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? हालांकि आपको पता होगा बाकी सारी यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा राष्ट्रपति के पास होता है, जो अपनी तरफ से एक प्रशासक को नियुक्त करता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं उसको। तो आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इन 3 स्टेट में यूनियन टेरिटरी में असेंबली क्यों होती है। अब इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कल्चर के आधार पर जो डिवाइड किया गया कुछ यूनियन टेरिटरीज को, उसके एग्जांपल्स में हम आपको बताएंगे कि सभी यूनियन टेरिटरीज को बनाने के पीछे का रीजन क्या रहा होगा, ठीक है। सबसे पहला हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर की तो आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरीज बनाने के पीछे का रीजन क्या रहा होगा, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर हमेशा से एक ऐसा स्टेट रहा है आपका जो कि हमेशा टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान से रिलीजियस टेररिस्ट आते हैं जो यहाँ पे धर्म के नाम पे भावनाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट की जरूरत महसूस हो गई जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में रहे, यानी कि किसी भी स्टेट को नेशनल लेवल पर क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं होती है। और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल के डेट में टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही थी। और जब भी जम्मू एंड कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर नॉर्मल हो जाएंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉमिस किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि फिर से चुनाव करवाए जाएंगे। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली, आपको दिल्ली के बारे में हमने बताया था कि दिल्ली आपके देश की एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दिल्ली में खुद की असेंबली है, स्टेट असेंबली है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और दिल्ली में एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सिर्फ पूरे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए प्रेसिडेंट ने यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए बोला है, ठीक है। और ये सारे पावर्स और ये सारे राइट आपके प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। तो इसमें दिल्ली के लिए आप एक बहुत ही फेमस सा ये डायलॉग है, आप जान लो, दिल्ली के लिए बोला जाता है कि देश को दिल्ली की ज्यादा जरूरत थी, दिल्ली को देश की जरूरत ज्यादा नहीं थी। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यूज के अकॉर्डिंग जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में जो है कि आपके देश की बड़े बड़े कार्यालय हैं, ऑफिस है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के आवास भी है, और यहाँ पर अगर स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर मिल जाती तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कामकाज में इंटरफेयर कर सकती थी। इसलिए दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और यहाँ पर पावर्स का शेयर कर दिया गया, यानी दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, जबकि एनवायरमेंट और एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड इशू को आपकी स्टेट गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। तो दिल्ली को बनाने के पीछे आपने रीजन जान लिया। जम्मू एंड कश्मीर के साथ प्रॉब्लम क्या था? जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा आपका यूनियन टेरिटरी रहा है जो कभी भी आपसे टूट के जा सकता था, ठीक है। इसीलिए ये टूट के ना जाए, ये इंडिया के साथ बना रहे, अखंड भारत का जो सपना है हिंदुस्तान का वो बना रहे। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी। दिल्ली के पीछे आपने जान लिया कि दिल्ली आपके देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट सिटी है। इसलिए दिल्ली में सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर देने की बजाय गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। और तीसरा आपको पता है, चंडीगढ़ की बात पहले करते हैं। देखो चंडीगढ़ में क्या है,
चंडीगढ़ में मेनली देखो, चंडीगढ़ एक ऐसा सिटी था जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि मेनली देखो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर पुराने इतिहास को आप देखिएगा तो पाइएगा चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब दो स्टेट ऐसे थे जो अपने उस सिटी को अपना अपना बता रहे थे, और यहाँ पर चंडीगढ़ को किसी भी स्टेट में दे देने से ये प्रॉब्लम हो सकती थी कि दूसरा स्टेट नाराज हो सकता था। इसलिए गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ में दोनों स्टेट की असेंबलियां तो जरूर बनवाई है, दोनों स्टेट की असेंबलीज की बिल्डिंग जरूर चंडीगढ़ में, लेकिन वहां पे सारा जिम्मा प्रशासन का एडमिनिस्ट्रेशन का किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। और इस अकॉर्डिंग अगर चंडीगढ़ की बात किया जाए तो ये डिस्प्यूट की वजह से बनाया गया है, डिस्प्यूट विवाद, ठीक है। और देखो अगर दिल्ली की बात करें तो हमने आपको बताया कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस की वजह से बनाया गया, ठीक है। देखो यहाँ पर चौथे जम्मू कश्मीर के बारे में आप लोग जानते हो कि जम्मू कश्मीर अनडिविजिबल है इंडिया के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके डिवाइड होने का खतरा काफी ज्यादा था, इसलिए जो है कि इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। चौथा आप लोग बताइए, चौथा में आप लोग जानते हैं दमन एंड दीव, ठीक है, दमन एंड दीव, और उसमें एक और जो इंक्लूड किया गया है इस बार दादरा एंड नगर हवेली, ये सारे एक ही यूनियन टेरिटरी है। अब इसके साथ प्रॉब्लम थी कल्चर्स की, ये चीज को आप जान लो। अब इसमें आपको दो यूनियन टेरिटरी के बारे में बताते हैं, एक बताते हैं आपको पांडिचेरी के बारे में, ठीक है। पांडिचेरी और दमन दीव और नागरा हवेली, इन सारे का प्रॉब्लम एक ही था, यानी कल्चर के बेसिस पे। अब इनके कल्चर्स के बेसिस का मतलब है, दमन दीव का एक पुराना इतिहास रहा है कि यहाँ पर पुर्तगाली लोगों का काफी समय तक इन्फ्लुएंस रहा था, और पुर्तगाली लोगों का कई वर्षों तक इन्फ्लुएंस रहने की वजह से वहां की सोसाइटी भी उस इन्फ्लुएंस में उसकी कल्चर्स भी आ गई थी। तो इसमें आपका पांडिचेरी है, पांडिचेरी में काफी समय तक फ्रांस के लोगों का रूल रहा था, तो ये सारी कल्चर्स किसकी आ गई थी, फ्रांस की। तो कल्चर्स की वजह से इंडिया में कल्चर्स क्या है, बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट डालता है, वहां पर प्रॉब्लम हो सकता था सिटीजंस के बीच में। एक एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो, पांडिचेरी की टेरिटरी इंडिया में तीन जगह पे है, तीन स्टेट में, एक आंध्र प्रदेश, एक तमिलनाडु और एक केरला। आपको पता है कि तीनों ही जगह पर किसका रूल रहा था, फ्रांस का, तो ये लोग फ्रांस के कल्चर में पूरी तरीके से डल गए थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि आंध्र प्रदेश में जो चीजें हैं वो अलग तरीके से चलती है, और उससे सटी हुई बॉर्डर जो पांडिचेरी है वहां की कल्चर से अलग तरीके, जैसे हमने आपको बताया था कि एक तरह से एग्जाम्पल्स लो थोड़े से कॉमेडी के अंदाज में, तो आपको पता है कि पांडिचेरी की बात की जाए तो पांडिचेरी के लोग टाई लगा के चलते हैं, थ्री पीस सूट पहन के चलते हैं गर्मी के दिनों में भी, और वहीं पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोग अपना ट्रेडिशनल पहनावा लुंगी में, ठीक है, लुंगी और धोती में। तो ये उनके कल्चर्स में काफी बड़ा अंतर था, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था, इसलिए ने गवर्नमेंट ने दोनों को क्या किया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है। अब इसमें अब हम आपको किसकी बात करेंगे, लक्षद्वीप। आप बताइए लक्षद्वीप के बनाने के पीछे का रीजन क्या था, और यही बात देखो लक्षद्वीप और एंड अंडमान एंड निकोबार द्वीप, तो ये दो बनाने के पीछे रीजन था, इनका डिस्टेंस इंडिया के मेन लैंड फॉर्म से काफी दूर है, वहां पे अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दी जाती तो ऐसा हो सकता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वहां पे क्या चल रहा है पता ना चले, क्योंकि इंडिया के मेन लैंड फॉर्म से डिस्टेंस होने की वजह से वहां पर विदेशी आक्रमण का खतरा काफी ज्यादा रहता था, तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे फॉर्म करने की बजाय यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि बाहरी देश के आक्रमण का खतरा काफी ज्यादा था, क्योंकि यह समुद्र के बीच में एक आइलैंड है, काफी डिस्टेंस है, वहां इंडिया के मेन लैंड फॉर्म से इसका किसी भी तरीके का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो डिस्टेंस की वजह से इन दोनों को क्या किया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। और इसको किस वजह से बनाया गया यूनियन टेरिटरी, कल्चर, ठीक है, डिफरेंट कल्चर्स की वजह से इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया।